हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब के वीडियो में हम आने वाले टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के संदर्भ में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या इंडिया एक जेनुन ऑलराउंडर मिस कर रही है और अगर इंडिया को एक जेनुइन ऑलराउंडर मिल जाता है तो क्या वो इनविंसिबल हो जाती है या ऑल टाइम ग्रेट टीम बन सकती है और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास जेनुन ऑलराउंडर नहीं है तो उसके ऑल्टरनेटिव क्या हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ऑलराउंडर कितने टाइप के होते हैं तो पहला एक होते हैं जेनविन ऑलराउंडर्स जो कि एज ए बैट्समैन भी खेल सकते हैं और एज ए बॉलर भी खेल सकते हैं अगर हम हिस्टोरिकली एग्जाम्पल देखें तो कपिल देव यान बॉथम रिचर्ड हेडली इमरान खान और उसके बाद के दौर में क्रिस केन्स एंड्रू फ्लिनटॉफ और आजकल के दौर में अगर मुझे इसमें से किसी को शामिल करना हो तो बेन स्टॉक्स या शकीब अल हसन मैं बोल सकता हूँ जो कि अपनी टीम के लिए एटलीस्ट एज ए बॉलर भी खेल सकते हैं और एज ए बैट्समैन भी और अगर ये आपके पास हो तो आप एक दो, दो तरह से अपनी टीम सेलेक्ट कर सकते हैं या तो छह प्रॉपर बैट्समैन कीजिए चार प्रॉपर बॉलर कीजिए और एक ऑलराउंडर अगर जेनविन ऑलराउंडर है तो उसको कीजिए तो उससे आपको सात बैट्समैन और पांच बॉलर मिल जाएंगे तो इन्हें वे आपके बारह प्लेयर हो जाएंगे और दूसरा अगर आपको ये डर है कि किसी बॉलर को मैच के दौरान इंजरी हो सकती है उसको कवर करने के लिए या किसी का बैड डे हो सकता है उसको कवर करने के लिए तो आप उस केस में एक बैट्समैन को हटा के एक यूटिलिटी प्लेयर ला सकते हैं जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता हो और ऐसा करने के बाद भी आपको ऑलमोस्ट साढ़े छह बैट्समैन और साढ़े पांच बॉलर मिल जाते हैं तो अगर आपके पास एक जेन्युन ऑलराउंडर है तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए ये अच्छी बात है तो अगर मैं इंडिया के संदर्भ में बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम में आज की डेट में जेन्युन ऑलराउंडर है जो कि एज ए बॉलर या एज ए बैट्समैन दोनों खेल सकता है यहां पे काफी सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जैसे कि रविंदर जडेजा बोल सकते हैं कि वो एज ए मिक्स खेल सकते हैं कि वो दोनों बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं या फिर आप श्रदुल ठाकुर और दीपक चहर जैसे आ रहे हैं उनको भी बोल सकते हैं कृणाल पांड्या बोल सकते हैं लेकिन इस कैटेगरी में जो सबसे आगे अगर मैं इंडिया की टीम में बोलूंगा हालांकि उन्होंने पिछले काफी टाइम से सबको या इवन अपने आप को भी डिसअपॉइंट किया होगा वो नाम है हार्दिक पांड्या का क्योंकि वो एज ए बैट्समैन टॉप सिक्स में खेल सकते हैं और जैसे कि 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने एज ए बॉलर प्रॉपर फिफ्थ बॉलर की भूमिका निभाई थी तो वो इसमें फ्रंट लाइन आ, कैंडिडेट हैं लेकिन अभी क्योंकि वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि इंडिया के पास कोई भी जेन्य ऑलराउंडर नहीं है तो अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो दूसरे होते हैं यूटिलिटी ऑलराउंडर्स यानी कि एक ऐसा प्लेयर जो कि बॉलिंग भी कर सकता है और बैटिंग भी डिसेंटली कर सकता है हालांकि वो एज ए फ्रंट लाइन बैट्समैन या एज ए फ्रंट लाइन बॉलर नहीं खेल सकता बट वो दोनों चीजें ठीक ठाक कर सकता है तो इस इस केस में आपको ऐसे अगर आपके पास है तो ऐसे आपको दो प्लेयर चाहिए तो आप पांच प्रॉपर बैट्समैन खिला सकते हैं फिर चार प्रॉपर बॉलर खिला सकते हैं और दो ऐसे क्रिकेटर होंगे तो उससे क्या होगा कि आप वो आधी आधी बैटिंग कर सकते हैं आधी बॉलिंग कर सकते हैं तो आपको रफली छह बॉलर पांच बैट्समैन सॉरी छह बैट्समैन और, और पांच बॉलर मिल जाते हैं ओवरऑल तो ग्यारह प्लेयर प्लेयर के बराबर आपकी स्ट्रेंथ होती है लेकिन उस केस में आप कवर कर सकते हैं कि कोई बॉलर अगर इंजर्ड हो गया मेन बॉलर या कोई उसका बैड डे है तो ये दो बॉलर कवर कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा और बैटिंग में भी वो एंड में आके मेन प्लेयर के साथ बैटिंग करके थोड़ा बहुत संभाल सकते हैं तो अगर हम इसमें वर्ल्ड क्रिकेट में अगर बात करें तो इसमें मैं ये बोलूंगा कि जो दो ऑलराउंडर आपको चाहिए तो जो छठे नंबर पे होगा वो मोर ऑफ ए बैटिंग ऑलराउंडर होना चाहिए और सातवें नंबर पे जो होगा वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए तो बैटिंग ऑलराउंडर मुझे लग रहा है वर्ल्ड में आजकल काफी ज्यादा मिसिंग हैं कि जो बैटिंग भी कर सकते हो और बॉलिंग भी तो इसमें कुछ वेस्ट इंडीज के प्लेयर आप बोल सकते हैं जैसे एंडर रसल हो गए पोलार्ड हो गए और उसके बाद कुछ हद तक आप ग्लेन मैक्सवेल को बोल सकते हैं कि आ, तो ये कुछ है लेकिन आ, अगर ऐसे देखा जाए जो तो नंबर सात पे मतलब की जिनकी मेन स्ट्रेंथ बॉलिंग है लेकिन वो बैटिंग भी कर सकते हैं तो ऐसे वर्ल्ड क्रिकेट में काफी प्लेयर्स हैं जैसे कि आप कायल जेमिसन को ले सकते हैं जिमी नीशम को ले सकते हैं और उसके बाद इंडिया में भी इस प्लेस पे आप रविंदर जडेजा को मान सकते हैं तो ये और अगर इंडिया के सिनारियों में आप ये देखें तो नंबर छः पे अगेन अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते हैं तो मैं इस कैटेगरी में उनको मान, मा, मानूंगा क्योंकि वो एज ए फुल बॉलर तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ एक ऐसे बॉलर हो सकते हैं जो दो से तीन ओवर डाल दें और एक छठे नंबर पे बैटिंग कर सकें और सातवें नंबर के लिए मैं रविंदर जडेजा सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे और उसके अलावा आप आ, आ, इसमें कृणाल पांड्या को ले सकते हैं ठाकुर और दीपक चहर को भी जैसे वो ग्रो कर रहे हैं अभी हालांकि वो सात और आठ दोनों पोजीशन के लिए हैं, लेकिन अगर वो ऐसे फॉर्म करते हैं ग्रो करते हैं तो वो भी सेवन्थ नंबर की पोजीशन ले सकते हैं और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक यूटिलिटी प्लेयर जो कि मतलब एक जेन्यन बैट्समैन होगा लेकिन फुल टाइम एज ए बैट्समैन खेल सकता है लेकिन बॉल बॉल भी कर सकता है ओकेजनली और दो से तीन ओवर या एक से दो ओवर एटलीस्ट वो कवर कर सकता है जैसे कि अगर हम हिस्टोरिकली माने तो आ, सारे इंडियन प्लेयर्स होते थे सचिन तेंदुलकर सौरव गांगुली वीरेंद्र सहवाग वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आ, हम बात करें तो स्टीव वॉ हो गए ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर होते थे जो कि उस टाइम पे बॉलिंग करते थे और अगर आज की डेट में भी वर्ल्ड में माना जाए तो मोहम्मद हफीज एक ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो कि बॉलिंग कर सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल को भी यहाँ पे माना जा सकता है कि जो प्योर बैट्समैन की तरह खेल सकते हैं लेकिन कुछ ओवर डाल सकते हैं इसके अलावा पोलार्ड हो गए तो ये एक एरिया अगर मैं इंडिया के संदर्भ में बोलू तो ये एक एरिया है कि जो हम मिस कर रहे हैं जो कि अभी अगर पिछली अ, कुछ टाइम में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर होते थे 90s में या 2000 थाउजेंड अर्ली में जो कि सुरेश रैना युवराज सिंह सचिन तेंदुलकर जिसका भी नाम लीजिए वो थोड़ी थोड़ी बॉलिंग कर पाते थे लेकिन अब हमारे पास ऐसे बैट्समैन नहीं है जो बॉलिंग कर पाए तो अगर ऐसा आपके पास है तो आप सिक्स प्रॉपर बैट्समैन के साथ जा सकते हैं जिसमें से कि एक या दो आपके थोड़े बहुत ओवर ओवर डाल सके और पांच आप फुल फ्रंट लाइन बॉलर खिला सकते हैं तो उससे आप अपनी टीम पूरी कर सकते हैं तो अब हम देखेंगे कि आने वाले वर्ल्ड कप में या आगे फ्यूचर में इंडिया के टी के संदर्भ में क्या ऑप्शंस हो सकती हैं तो सबसे पहले तो अगर हार्दिक पांड्या जो कि एक पजल बने हुए हैं अगर वो बॉलिंग करते हैं और दो से तीन ओवर डाल लेते हैं आ ये पहला तो केस है कि अगर वो वापस जैसे 2019 में फुल एज ए बॉलर खेलते थे अगर वो ऐसे करते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा फिर तो अमेजिंग हो जाएगा फिर उनको आप एज ए नंबर सेवन भी खिला सकते हैं और आप सिक्स बैट्समैन और पांच बॉलर के साथ खेल सकते हैं लेकिन अभी के सिनारियों में अगर वो एक दो ओवर भी डालते हैं तो हार्दिक पांड्या नंबर सिक्स पे खेल सकते हैं और रविंदर जडेजा नंबर सेवन पे खेल सकते हैं दूसरी ऑप्शन है कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको एज ए उनकी टीम में जगह बनती है नहीं बनती है, एक सवाल होगा हालांकि वो एक्स फैक्टर है लेकिन आप उनके हाल फिलहाल के फॉर्म में देखें और अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पता नहीं वो कभी वो टीम में आ भी पाते या नहीं तो उस केस में दूसरी ऑप्शन ये है कि रविंदर जडेजा को प्रमोट किया जाए नंबर सिक्स पे लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा उनके लिए तो उनको बैकअप करना चाहिए श्रदुल ठाकुर दीपक चाहर टाइप के प्लेयर्स को इवन नंबर पे आए। तो नीड सॉलिड बैकअप ताकि वो मिलजुल के आ, काम चला लें तो ये एक ऑप्शन हो सकती है अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करते या तीसरी ऑप्शन जो कि मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट इंडिया को एक्सप्लोर करनी चाहिए जिसमें कि आ, जैसे कि अभी आपने टेस्ट सीरीज में देखा होगा कि पहले इंडिया की टेलेंडर्स जो होते थे आ, वो बिल्कुल भी बैटिंग नहीं करते तो तो ऐसा होता था कि सातवें नंबर का प्लेयर जैसे ही आउट हुआ और आखिरी तीन विकेट या चार विकेट फटाफट गिर जाते थे लेकिन इस सीरीज में अगर हम इंग्लैंड से अच्छा कर रहे हैं तो उसका रीजन है कि बूमरा शामी और इवन ईशान शर्मा इन इन सब ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी है नीचे और जो कि जिनका कोई कोर काम एज ए लाइन बॉलर है लेकिन उन्होंने इम्प्रूव किया है तो मुझे लगता है कि एक ये भी देखना चाहिए कि आगे कोई हमारे जो बॉलिंग कोच हैं उनको ट्रेन करना चाहिए खासकर ये रोहित शर्मा विराट कोहली सूर्या या श्रेय सैयर को कि वो एटलीस्ट दो ओवर तीन ओवर तक का कवरेज दे सके इन वर्स के सिनारियो तो वो इंडिया को बहुत स्ट्रांग बना देगा क्योंकि के राहुल और ऋषभ पंत ऑलरेडी विकेट कीपिंग करके वो ऑलराउंडर का काम कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा जो चार प्लेयर खेलेंगे बैटिंग में वो अगर थोड़ी थोड़ी भी बॉलिंग करना शुरू कर दें तो इंडिया के लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा उस केस में इंडिया फाइव फ्रंट लाइन बॉलर के साथ जा सकती है जिसमें कि जडेजा सातवें नंबर पे खेल सकते हैं और अगर कभी जडेजा का दिन खराब हो या कोई इंजरी हो जाए किसी और प्लेयर को तो यहां से रोहित शर्मा विराट कोहली या कोई भी इन चार बैट्समैन में से वो ओवर कवर कर सकता है तो आई थिंक जैसे कि बैट्समैन ने आई I मीन mean, इनके बॉलर्स ने थोड़ी बहुत बैटिंग करके इंडिया को एकदम गेम चेंज करा दिया टेस्ट मैचेस में ऐसे ही अगर बैट्समैन अगर थोड़ी सी बॉलिंग करने लग जाए तो दैट कुड बी ए गेम चेंजर तो ये क्रक्स था आज के वीडियो का आप भी अपने कमेंट दीजिए कि आप कैसा क्या, क्या सोचते हैं इस बारे में थैंक सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल